देखिए दोस्तों, ये है वाइट वाइट सा पड़ा हुआ, इसे हम कहते हैं पाला। जबरदस्त गिरा हुआ है, देखो सर्दियों में इस तरह से पाला गिरता है, खतरनाक गिर रखा है ये तो। और सूर्य उदय होता हुआ, ओम भास्कर आय नमो नमः। और दोस्तों ये देखिए आप, क्या सुहाना लग रहा है, क्या शानदार लग रहा है, मानो स्वर्ग जो है धरा पे उतर चुका है। कल थोड़ी सी ठंड पड़ी थी और हल्की सी बारिश हुई थी, उसकी वजह से देखिए मेरे सीधा मार में फालता खुली। अच्छा। मैं आउट मार दो, मैं हूं बात पर सीधा, और पेपर छोड़ दिन मैं टांग बांध पेपर जो पेपर छोड़ दिन। अच्छा, खेल पर निकल में तो साल की जरूरत है, मैं कागरा में जता दे पहले ने जर बोगर सो नंबर है सो बताए रिजल्ट लग दे। हां, मैं बताई मैं तो फेल है भाई, पहले से जान दे तो पास बोल तो बढ़िया खुशी बनता है, पास है जो बनता है। हां, जयदीन जी का यहाँ गए खाल जी बागी लड़े थे। अच्छा, गया मुहर पेपर वेल पे आ तो मैं खाल जी में पहले लड़ाई देखने जा रहा हूँ, जो हरेगा जीतेगा मैं सब कर लिखूंगा, उतने साल में पास हो तब तक है ना कि हाई स्कूल इंटर मैंने करी या निरे बात बात है फंड हो बात फंड है। हाँ 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 और अभी हम पहुंचने वाले हैं चिन्याली सौड़। यह है चिन्याली सौड़ का ब्रिज, चिन्याली सौड़ के ब्रिज के ऊपर से हम निकल रहे हैं, जिसके नीचे बह रही है भागीरथी नदी। और ये बड़कोट गांव पहुंचने वाले हैं हम बड़कोट में, और क्या खूबसूरत है ये बसा हुआ बड़कोट नगरी। और हम जा रहे हैं पुरोला, ये है बड़कोट का बाजार जहां पे हमारी बस रुकी हुई है। और ये गली जहां मैं पहले रहता था, जल संस्थान में काम करता था, यहाँ पर ये है पुरोला। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं पुरोला। थोड़ी देर बाद हम चलेंगे यहाँ से डायरिका गांव, और ये है यहाँ से ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा है। और आगे के सफर में हम पहुंचने वाले हैं डायरिका गांव, और ये जो आप देख रहे हैं ये अभी पुरोला मार्केट का नजारा। यहाँ पर चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो फाइनली हम जो है डायरिका पहुंच चुके हैं, से बस थोड़ी आगे। तो देखिए हमारे गांव वालों का मकान, यहाँ पर हमारे ही भाई बहन कल इनसे भी मिलने जाएंगे। तो सुबह 8 बजे से लेके और शाम के हो चुके हैं 4:30, और सफर होता है समाप्त। ये है डायरिका गांव जहां हम आज आए हैं, और क्या खूबसूरत नजारे हैं इस गांव के, शानदार व्यू। ये देखिए आप बर्फ भी पीछे दिख रही होगी आपको, डांटी कांटों में बर्फ लगी हुई है। और तेरा नाम क्या भाई है, इसका नाम है ये वेदु का भाई देबू है नहीं भाई, कत्यो में पड़ दिया दगड़िया तो 4 माह है, 3 माह यार झूठी बुलाता है यार भाई से, भाई क्यों कांड लगाता है यार झूठी झूठी तो है, ऐसे झूठी फूटी क्यों लगाता है यार तू, है रे ऐसे झूठी फूटी क्यों लगाता है तू,
सच्ची सच्ची लगाया करना यार हैं। और ये जो आप देख रहे हैं देवदार का पेड़, ऐसे होते हैं इसके पत्ते। ये है नवोदय विद्यालय जहां हमारे राकेश साहब भी पढ़े हुए हैं। और ये है पुरोला का व्यू। यार की धून रेस्टोरेंट काफी फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, खाना वाना खाते हैं। हमारे साथ हैं ये देबू जोशी। दोस्तों आज है हमारे साथ यहाँ पर शुभम जोशी। और आपका नाम क्या है? आदित्य। पूरा नाम? अच्छा, ये है 9th क्लास में और ये है 10th क्लास में। तो ये आज हमें पूरा पुरोला घुमा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? देरिका। ये पुरोला में पड़ता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और ये आज जो है मुझे इवनिंग वॉक करा रहे हैं। और देखिए कितनी सुंदरता से भरा हुआ ये जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। ये क्या क्या है यहाँ पे सुबह? अच्छा, इस तरह से सेब के प्लांट लगाए गए हैं यहाँ पे। बखूबी बहुत सुंदर, बहुत शानदार तरीके से तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर कुछ सेब के प्लांट्स। और ये क्या है यहाँ पे? हॉर्टिकल्चर। अच्छा, इन्हीं के थ्रू यहाँ पे लगाया गया है। और ये इधर क्या बन रहा है? अच्छा, ये सेब के लिए है और किसी फ्लावर्स फ्लावर्स के लिए कुछ? अच्छा, चलो और आगे चलते हैं इनके साथ। यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं। और इनका बॉटनिकल नेम है पाइनस रॉक्स बर्गाई। और इनसे जो है, इनको क्या बोलते हैं जो छोटे छोटे इनसे पत्ते गिरते हैं? हमारे यहाँ तो पीटों बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? सोतर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह से रहते हैं। और ये मेनली जो है आग जलाने के काम आते हैं, है ना? वही काम है ना इनका? अच्छा हाँ, आग जलाने और पशुओं के बिस्तर के रूप में भी यूज किया जाता है इन्हें। ये काफी गर्म होते हैं इसलिए इन्हें पशुओं के बिस्तर के रूप में भी यूज किया जाता है। और देखिए यहाँ से सूर्य का, सूर्य के प्रकाश से पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है। और ये अभी शुभम जोशी बता रहे थे मुझे कि किस तरह से आग भी लग जाती कई बार जंगलों में। तो कैसे बुझाते हैं आप लोग इसे? अपने आप बुझ जाती है। अच्छा, बहुत ज्यादा आग लगती होगी यार, फिर ट्राई नहीं करते कोई गांव वाले इसको बुझाने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, जंगलात वाले आते हैं। जैसे हमारे यहाँ कभी गांव में लग जाती ना आग, तो हम लोग चले जाते थे सारे परिवार से एक आदमी बुझाने के लिए। हाँ अच्छा, और एक और बात यार, यहाँ पे जो है चावलों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है ये जगह। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें चावलों के बारे में बहुत बताया गया था यहाँ के, कि लाल चावल यहाँ पर मिलते हैं। उनका नाम भी है क्या कुछ अलग से कुछ चावलों का? लाल चावल। अच्छा, लाल चावल ही बोलते हैं। तो इस बार मैं भी यहाँ से लाल चावल ले जा रहा हूँ, वैसे देखूंगा मैं। वैसे तो यहाँ भी टेस्ट किया मैंने, बहुत ही स्वादिष्ट थे। देखिए ये रोड जो जा रही है, ये कहाँ के लिए जा रही है? बिल्कुल, ये मोरी और हनौल के लिए जा रही है। और साथ ही आप देख रहे हैं जो महान भाव इधर से ट्रेवलिंग करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे पार्टी वार्टी भी चलती है, शायद इनका ही अड्डा ही है इधर। जैसे कि हमारे संवाददाता शुभम जोशी बता रहे हैं कि इधर जो है काफ़ी मात्रा में पार्टी सार्टी चलती है। देखिए साक्षात नमूना इन चीज़ों का पूरा भरा पड़ा है। और देवभूमि उत्तराखंड को यही गंदा कर रहे हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ना की करिए,
लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है ये, एकांत भी है बिल्कुल गांव से दूर। ये देखिए चीड़ के पेड़, और इनसे देखिए ये रेशा निकल रहा है, एक तार टाइप का निकल रहा है, मैं हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये हाथ पे चिपक जाएगा, और इसका यूज़ आग के जलाने के लिए यूज़ होता है ये, और भी शायद कई चीज़ों में यूज़ होता है। क्या क्या यूज़ होता है इसका? स्कूल की पैंट ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अभी जंगल से वो चले गए ना मतलब। अच्छा अच्छा, ये क्या बन रखा है इधर देखता हूँ मैं, ये उसी के लिए बना रखा होगा शायद, ये देखो यहाँ पे जो दिख बना रखा है बहुत ही प्यारे तरीके से बना रखा है। 20 साल बाद क्या होगा? 20 साल बाद मतलब ना, हाँ यहाँ फिर से स्टार्ट होगा। अच्छा इसका वो निकालने लिए साल। अच्छा अच्छा, पहले यहाँ होता था 5-6 साल पहले बंद हो गया है। अच्छा 20 साल बाद ये देखिए यहाँ पर आग जला के इस पत्थर के नीचे बैठ के अगर बारिश भी हो जाए तो सेफली पार्टी चलती रहे, और ये पार्टी चलती ही रही आई थिंक। बिल्कुल एकांत में ही जगह, बहुत ही प्यारी। ये है नवोदय विद्यालय, इसकी बिल्डिंग दिखती है। देखिए यहाँ पर जो ये हाथ में है दिखाइए थोड़ा, ये है चीड़ का, एक चीड़ का क्या बोल सकते हैं इसे, इसे वैसे इंग्लिश में कोन बोलते हैं। तो ये कोन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल, और इनके अंदर जो है बीज होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये बीज, मैंने खुद बचपन में काफ़ी खा रखे हैं। पहले इसमें शायद आग में जलाने पे खुल जाते हैं इनका, वो ना पूरा खुल जाता है ये, फिर इनके अंदर हाँ जो बीज रहते हैं इनको निकाल के खाते हैं। हाँ ये जो ये खुला हुआ है ऐसे ही खुल जाते हैं, देखो ये तो अभी बंद है लेकिन इस तरह से खुल जाते हैं और बीज जो है निकल के बाहर आ जाते हैं। ये कौन सा गांव बताया? कंडियाल गांव। ये है कंडियाल गांव। अच्छा कंडियाल गांव का भाई कुंडियाट गांव है। ये है चीड़ के छोटे छोटे पेड़, छोटे रहते हैं तो इस तरह से दिखाई देते हैं, और एक यहाँ पे हिंसर का पेड़ है ना, मैंने बचपन में बहुत हिंसर खाई है, बहुत ही मीठी होती है ये, उसका बड़ा पेड़ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर कद्दू लगा हुआ है, एक ही कद्दू बचा हुआ है, और ये लौंग जो है सड़ गई पूरी, और मेरे साथ दो अनुभवी बल्लेबाज जिन्होंने मुझे आज यहाँ का टूर का भ्रमण कराया।